किसान मजबूर ने, किसानों ने गलबात कर लेने की कारण आ जो 17 तरीक नूं भी तुसीं रोड जाम किया सी। आपां गल करिए तीन दिन दो दिन पहला भी रोड जाम सी, उदों भी यही मेन नैशनल हाईवे बंद सी, अज फिर तुसीं धरना लगाया होया की कारण दसोगे? तां उस दिन साढ़े नाल आके इतने तहसीलदार साहब आके वादा करके गया सी, एक ट्रक उस दिन 30 गठा वारदानी दीआं मौके ते मंगाईआं और वादा कीता सी 100 गठ होर कल शाम तक भेज देंगे, पर दो दिन उदू बाद लंघ गए उहनां दे वादे कीते तों बाद एक भी गट्टा इत्थे मतलब एक बोरी नहीं इत्थे आई मंडी दे विच। इस करके सानूं मजबूर अज फिर सड़क रोकनी पैगी, क्योंकि इह सरकारां जिहड़ियां हमेशा झूठे वादे करदीआं ने, झूठ दे उत्ते चलदीआं ने, झूठ बोल टेलीविजन के उत्ते बैठे वड्डे वड्डे बयान दिंदे। सड़क के उपर लगा के रखना अच्छा जिन्ना चेर इतने कोई अधिकार ही नहीं आता आके आश्वासन नहीं दिता मार देने का मौके से प्रबंध नहीं करता उन्ना चेर यह धरना लगातार जारी रहूगा। प्रधान जी की कहना चाहोगे, किसानी बड़े संघर्ष आ, फसल पक चुके ने, मंडिया जा गए, हुण किसान मंडिया के रुल रहे हैं, की कहना चाहोगे? सरकारां दी करतूत कारण जिहड़ा किसान आ मंडिया च रुल रहा है, तीन तरफी लड़ाई है जिहड़ा किरती लोग अज लड़ रहे हैं। एक पासे काले कानूनां दे बरखलाफ असीं दिल्ली लड़ रहे हाँ, साडियां कणकां ने जिहड़ियां मंडी च रुल रही हैं, बच्चे साडे स्कूलां कनियों वेले हो के इन्हां ने करोना की महामारी का बहाना बना के वह घर च बिठाते, जाने कि जिहड़ा किरती लोग अज बहुत वड्डी परेशानी का सामना करता, जिहड़ी वड्डी गल है, जिहड़े खोखले दावे करते हैं, कुवारी दावे ने जिहड़े इन्हां दे खोखले ने, आ जिहड़े देखिया गरे लगे पए ने कणकां दे, मौसम खराब है, मीह पै रहा है, बहुत मंडियां का हाल तुसीं देखिया, जिहड़ियां कणकां दीआं ढेरियां मंडियां च डुब्बियां पईआं, इस करके आ जिहड़ियां ब्लाक भानीगढ़ दीआं मंडियां ने, जिवें नागरा हो गया, अकबरपुर हो गया, होर कई मंडियां ने, इन्हां च वारदाने का बहुत माड़ा हाल है। धरने दे विच इस वक्त छोटे छोटे बच्चे भी मौजूद ने, जबकि बच्चे स्कूल बंद ने, पर अपने मापिया के नाल बच्चे धरने जा रहे हैं, बच्चों गल करन दी कोशिश करते हैं, पूछते हैं उन्होंने कितनी की जानकारी है इस चीज के बारे। बच्चे तुहाडा की नाम अर्पण कौर, की कर रहे हो तुसीं अज इत्थे? ਸਾਡੀ ਕਣਕਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰਦਾਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਵਿਕਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰਦਾਨਾ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਭਜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਆ? 9 ਸਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ। ਅੱਜ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ? ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਵਿਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਰਦਾਨਾ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਸੜਕ ਜਾਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ? ਹਾਂਜੀ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਰਹੋਗੇ? ਜਿੰਨਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਰਦਾਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ? ਅਸੀਂ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨਾਲ ਆਏ ਆ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੀ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੇ, ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੇ। ਉਹ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ, ਅਗਰ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਸਾਡੀ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਵਿਕ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੀ ਜਾਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੇ, ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਡਟੇ ਰਹੋਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਹੁੰਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਤੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਿੱਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਆ? ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਰਣਨੀਤੀ ਸਾਡੀ ਆ, ਰੱਜ ਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਲੂਸ ਕੱਢਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਾਂਗੇ,
SDM का दफ्तर घेरांगे। साडी पूर्ण तौर पर मीटिंग चल रही है, मीटिंग करके इस संघर्ष का जो अज कोई गलबात नहीं सुनता इसकी रूपरेखा बदलेंगे, मजबूर करांगे इत्थे जिहड़ी कि बारदाना लिआउण वास्ते। बारदाना इन्हां कोल सारा जिथे कोई इन्हां दे बारदाने जिथे कणकां जोखणियां दे जिहड़े वड्डे रोड के कोल जिहड़े है नैशनल हाईवे ने वह मंडियां इन्हां ने बेलियां करा दित्तियां। भानीगढ़ च ही बारदाना आ गया, होर मंडियां जिवें काले झाड़ की गल कर लईए, चन्नो की गल कर लईए, उत्थे बारदाना कित्थों आ गया। बारदाने का प्रबंध करनगे, नाले 100 गड्ढा खाणगे ते नाले 100 छित्तर खाणगे। पर किसान लगातार संघर्ष रहेंगे जो तक बारदाना मंडियां च फसलां पईयां जो तक नहीं सांभियां जांदियां। इह तां मतलब जिहड़ा किरती अज चाहे वह किसान है मजदूर है किरत करन वाला बंदा है जिहड़ा उन्हों पूर्ण तौर पर सेंटर तो लैके राज कर दियां सरकारां ने जिहड़ियां वह रोलन ते लगियां ने भी इन्हां नूं इन्ने बदीन कर लो ये जमीना तो लांभे हो जमीना असीं अजोगपतियां नूं संभाईए उदू बाद भुखे मरनगे साडे मूहरे हथ अड्डणगे असीं जो इन्हां नूं चाहिया करूँ 10-10 किलो कणक 15-15 किलो कणक 300-300 रुपया पेनशन दे के वोटां राज करांगे ये भुखे मरनगे भुखे मरे साडे नाल लड़न भी नहीं सकदे। ये गल सारी उधर नूं ले जाणी है पर पंजाब दे हिंदुस्तान दे लोकां ने कदे भी ईण नहीं मन्नी। अज तो लैके जिन्ने मर्जी इतिहास पढ़ लैना इतने बड़े आए ने बड़े गए ने अज भी उही जिहड़ा संघर्ष है जिवें कहिंदे ने भी असीं क्लीन ऑपरेशन चला के उत्थों खाली करा देंगे दमगजे मार दियां ने सरकारां इन्हां दा मत भुलेखा है। लोग कल्ला कल्ला बच्चा बच्चा जान देण नूं तैयार है, ट्रक भर के तो आ सकते हैं उत्थों किसान मैदान छड्ड के नहीं आ सकते। उस नाले बारदाने की कड़ी है जिहड़ी कणक रोलन की कड़ी है उस तिने काले कानूनां नाल जुड़ी। कैमरामैन कहूंगा तस्वीर दिखाई जान किस तरीके किसानों का इकट्ठा सड़क के उपर डटिया होया, चाहे बच्चे होन चाहे औरत होन चाहे बजुर्ग होन अपनियां मंगां नूं लैके किसान डटे हुए ने। तुहानूं दस दईए दो दिन पहला भी 17 तरीक नूं इस जगह के उपर किसानों वालों बारदाने की मंडिया की सही सहूलत नाल देखते हुए धरना लगाया गया सी, पर उस वक्त SDM भवानीगढ़ वालों इन्हां नूं विश्वास दवाया गया कि तुहानूं बारदाना जिहड़ा पूरा मिलेगा, पर उह किसानां दे मंगा नहीं पूरियां हुई प्रशासन वालों ता करके अज यह दोबारा अपने संघर्ष के उपर डटे हुए ने। परिवारों समेत किसान इस वक्त सड़कों के उपर उतरे हुए ने ते प्रशासन पंजाब सरकार केंद्र सरकार के खिलाफ जिहड़ा अपना नारे ने नारेबाजी है जिहड़ा अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। भवानीगढ़ तो दैनिक सवेरा टीवी के लिए लवली कौशल की रिपोर्ट। पंडित राधे शर्मा चमत्कार होंगे वेखो अपनी अखा के सामने 24 घंटे पाओ हर परेशानी का हल। मुसलमानी रूहानी काले इलम के बादशाह मेरे किते मेरे तो इलावा कोई कट नहीं सकता। मोड़ी वशीकरण करवाओ, मनचाहा प्यार पाओ, लव मैरिज सौतन दुश्मन तो छुटकारा, तलाक केस जमीनी झगड़ा, नौकरी कारोबार च रुकावट, विदेश यात्रा, लॉटरी तो तन मिलेगा जा नहीं सच्चाई जानो। लॉटरी नंबर पाओ 649 होवे जा लोटोमैक्स, तुहाडी हर गल 100% गुप्त रखी जाएगी। प्यार विच धोखा खाए प्रेमी प्रेमिका एक बार जरूर मिलो, मैं तुहाडा प्यार टुटन नहीं देवांगा। मोबाइल 98 788 0485 85 88 38 617।